प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने की तैयारियां कमोबेश पूरी हो गई है। अभी फाइनल जो है चीजों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब हम हमारे सामने देख सकते हैं, आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है मार्च पास्ट के लिए जो है रास्ते बनाए गए हैं। यहाँ पर जो है बिहार पुलिस के जवान, मिलिट्री जवान जो है मार्च पास्ट करेंगे और यहाँ पर जो है झंडे की सलामी ली जाएगी। उसकी तैयारियों में जो है यहाँ पे लोग लगे हुए हैं, उसे अंतिम रूप दिया गया है। और उस अपोजिट साइड में जो सामने का जो है वो आम जनता के लिए गेट बनाया गया है, आम लोगों के लिए। वहाँ से लोग आएंगे सुबह में और वो जो स्वतंत्रता दिवस समारोह में जो है वो भाग लेंगे। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारे बगल में जो जगह है यहीं पर जो है झंडोत्तोलन किया जाएगा, यहीं पर राष्ट्रीय ध्वज का है जो ध्वजारोहण किया जाएगा। यहाँ पर भी जो है साफ सफाई की गई है, पूरे इंतजाम जो है अंतिम चरणों में है। और ऐसा बताया जा रहा है हम लोगों को जो यहाँ पे जो काम को की देख रेख कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि आज रात तक जो है सारे काम को पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि कल जो है फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी और तैयारियों को जो है फाइनल कर लिया जाएगा। फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर भी जो है यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ पे जो है वीवीआईपी लोग और आम जनता के बैठने के लिए भी जो है तमाम तरह की व्यवस्था की जा रही है। कोरोना संकट है, इसको लेकर जो है गाइडलाइंस को फॉलो करने के निर्देश दिए गए हैं, इसीलिए सीमित संख्या में लोगों को यहाँ पर आने की जो है इजाजत रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे राज्यपाल सीएम नीतीश कुमार, उनके मंत्रिमंडल के कैबिनेट सदस्यों के बैठने के लिए यहाँ पे पर्याप्त इंतजाम किया गया है। इसके अलावा दूसरे विधायकों के लिए भी तमाम तरह की जो है व्यवस्था की गई है। और इसके ठीक सामने जो है मार्च पास्ट का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह वीआईपी लोगों के लिए यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग को जो है ध्यान में रखा गया है। यहाँ पे जो है नीतीश कैबिनेट के मंत्री बैठेंगे, खुद सीएम नीतीश कुमार यहाँ मौजूद रहेंगे, राज्यपाल मौजूद रहेंगे, तमाम नेता रहेंगे और वीआईपी लोग, शहर के जाने माने लोग भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आम जनता के बैठने के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। हालांकि अभी ये तैयारियाँ अंतिम चरण में नहीं आई है, लेकिन हम लोगों को जहाँ तक जानकारी मिली है कि आज रात तक जो है इसे कम से कम आज रात तक इसे फाइनल कर लिया जाएगा, क्योंकि कल फुल ड्रेस रिहर्सल यहाँ पे किया जाएगा स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन को लेकर। और अगर आपको हम दिखाना चाहते हैं, हम अपने कैमरामैन को बताएंगे कि वो आपको पैन करके पूरा दिखाएं, तो आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे पूरे गांधी मैदान की बैरिकेडिंग की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है और दो गेट बनाए गए हैं। अभी आप देख सकते हैं डॉग स्क्वाड के जरिए जो है जगह की निगरानी की जा रही है। वीआईपी हलचल यहाँ पर बढ़ेगी 15 अगस्त को, गणमान्य लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे, उसको देखते हुए सुरक्षा के जो है तमाम जो है चेक एंड बैलेंस को देखा जा रहा है। डॉग स्क्वाड भी यहाँ पे मौजूद है और हर तरफ की निगरानी की जा रही है, बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसी तरह की जो है बाधा उत्पन्न ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन में जो है कोरोना गाइडलाइंस का खास ख्याल रखा जाएगा। जैसा कि भारत में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और तीसरी लहर के अनुमान भी जताए जा रहे हैं, उसको देखते हुए यहाँ पे तमाम तरह का इंतजाम किया गया है। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि गांधी मैदान में किस तरह से स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियाँ की जा रही है, 15 अगस्त को यहाँ पे ध्वजारोहण किया जाएगा और जो है स्वतंत्रता दिवस समारोह का धूमधाम से आयोजन होगा। हमने आपको हर चीज़ दिखाई, तमाम इंतजाम दिखाए, लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट दिखाए, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं उसके बारे में बताया। और ख़ास बात यह है कि कोरोना संकट है, उसका ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, सैनिटाइज़र को यूज़ कीजिए और ध्यान रखिए, आपकी सावधानी ही आपको कोरोना संकट से बचा सकती है। तो हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।